सो गाइस आज की इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पिक्सार ऐप का कुछ सीक्रेट टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। एंड ये सारा टूल्स का यूज करके आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। एंड ये वाला फोटो एडिटिंग हम लोग काफी इजी स्टेप में करने वाले हैं, सो वीडियो का शुरू से अंत तक देखना। वीडियो आप काफी दिन टेस्टिंग बनने वाला है, सो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लेना, इंस्टा आईडी का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो चलिए वीडियो का आप स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड को ओपन कर लेना पिक्सार ऐप के अंदर। एंड वाला बैकग्राउंड एंड जो भी पीएनजी का यूज करने वाला हूँ सारे का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। सिंपली हमारा बैकग्राउंड पिक्सार ऐप के ओपन हो चुका है। एंड ऐड फोटो का हम लोग पहले क्लिक करके हमारा मॉडल को ऐड कर लेंगे। सो ये रहा ऐड फोटो, एंड ऐप पे क्लिक करके हमारे मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। सो हम लोग ए वाला मॉडल को ऐड कर लिया। आप लोग का भी मॉडल को ऐड करने के बाद सिंपली मॉडल का बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। सो बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आप लोग मिल जाएगा यहाँ पे कटआउट टूल, कटआउट टूल पर क्लिक कर लेना है। जाना है आउटलाइन पे, एंड इस तरीके से आप लोग को मॉडल का बाहर का साइड को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली सेव वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। एंड ये वाला बैकग्राउंड के साथ हम लोग सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड एडजस्ट करने के बाद हम लोग सिंपली डन पे क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ पे डन पे क्लिक कर लिया। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये वाला फोटो का हेयर बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा है। सो इसको हम लोग पिक्सार ऐप के अंदर ही हेयर एडिट करने वाले। सो उसके लिए आप लोग को जाना है ऐड फोटो के अंदर, एंड एक हेयर पीएनजी को ऐड कर लेना है। उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो मैं यहाँ पे ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके हमारा हेयर पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। सो हम लोग ये वाला हेयर पीएनजी को ऐड कर लिया, ठीक है। एंड ये वाला हेयर पीएनजी को ऐड करने के बाद जो आप लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, आप लोग सिंपल इस तरीके से हेयर पीएनजी को लगा देते हो। लेकिन ये चीज़ नहीं करना है आप लोग को, सही तरीके से आप लोग को हेयर का इस तरीके से सेट करना है। एंड इसको आप लोग को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी आप लोग को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, जो दोनों हेयर यहाँ पर एडजस्ट हो जाए एंड फोटो आप लोग को रियलिस्टिक तरीके से दिखे। सो इस तरीके से करना है। एंड इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके इस तरीके से आप लोग को रिमूव भी कर लेना है, एक्स्ट्रा चीज कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुका है, तरीके से हमारा हेयर पीएनजी लग चुका है। एंड राइट पे क्लिक कर लेंगे हम लोग एंड सिंपली डन कर लेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा हेयर पीएनजी भी लग गया, एंड हेयर का एक अलग से स्टाइल आ गया है हेयर के अंदर। सो इस तरीके से आप लोग हेयर एडिट कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। आप लोगों का फोटो का फेस एंड हैंड थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है तो उसको आप लोग व्हाइट भी कर पाओगे। फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोगों को सिंपली टूल्स वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। जाना है एडजस्ट पे एंड जाना है इसका सैचुरेशन पे, सैचुरेशन को माइनस एंड इसका ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेना इस तरीके से। एंड जाना है इरेजर टूल के अंदर एंड कर देना इन्वर्ट। ब्रश को सिलेक्ट करके आप लोग जिस जगह पे व्हाइट करना चाहते हो उस जगह को आप लोग ब्रश कर लेना है। सो इस तरीके से आप लोग को ब्रश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पूरा फोटो के अंदर ब्रश कर लेता हूँ, यानी कि हैंड एंड फेस के अंदर। सो जैसे कि देख सकते हैं हमारा फेस कितना ज्यादा व्हाइट बन चुका है। एंड सिंपल हम लोग को राइट पे क्लिक कर लेंगे, ओके। एंड इस बार हम लोग हेयर के साइड में जो टैटू होता है ना उसको हम लोग ऐड करना सीखने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। सो उसको ऐड करने के लिए आप लोग को सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर जाना है एंड फिर से ड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है पहले, ठीक है। एंड लेयर वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद एक न्यू लेयर तैयार कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से एक लेयर होगा, सिंपली उसको आप लोग सिलेक्ट करके रखना है एंड ऐड इमेज पे क्लिक करके आप लोग को टैटू को ऐड कर लेना है। सो ए रहा भाई टैटू, टैटू को ऐड करने के बाद आप लोग को राइट पर क्लिक कर लेना है एंड थ्री डॉट का आइकन पर क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। एंड इस तरीके से आप लोग को सही तरीके से एडजस्टमेंट करके इसको लगा लेना है। एंड इस तरीके से ऐड करने के बाद आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना, ओके। एंड ये वाला लेयर को सिलेक्ट करके आप लोग को जाना है इसका ब्लेंडिंग मोड पे एंड इसको कर देना है XOR। XOR करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसका थ्री डॉट का क्लिक करके इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद एक न्यू लेयर तैयार कर लेना है एंड इसको ये वाला लेयर को आप लोग को नीचे को रखना है। एंड यहाँ पे कलर्स वाला आइकन पर जाके, ओके, यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को कलर्स वाला आइकन। कलर्स वाला आइकन पर जाके आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा पेंसिल वाला आइकन। सिंपल आप लोग को पेंसिल पे क्लिक करके आप लोग को ये वाला प्लस आइकन को फेस का कलर पे छोड़ देना है, ठीक है। एंड इस तरीके से आप लोग को ब्रश कर लेना है। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फेस का कलर हो गया एंड फोटो के साथ मैच भी कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग टैटू ऐड कर सकते हो, किसी भी टैटू हेयर का साइड के अंदर। सो और भी ज़्यादा फोटो कूल दिखेगा, ओके।
सो आज के ए वाला 3 स्टेप के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ सिखा दिया, किस तरीके से आप लोगों को सीवी एडिटिंग करना है, किस तरीके से आप लोगों को हेयर को ऐड करना है, किस तरीके से आप लोग हेयर का साइड में टैटू को ऐड करना है। ओके सो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए आप लोग किसी भी टूल्स के अंदर नहीं क्लिक करना है, सिंपल आप लोग को जाना है 3 डॉट का आइकन पे, एन ऐप मिल जाएगा आप लोगों को, सेव इमेज पे क्लिक करके आप लोग फोटो को सेव कर लेना है गैलरी का अंदर, ठीक है।